सुनील सिंह जी, आप मान रहे हैं ना पीएम मटेरियल नीतीश कुमार को, तो राहुल गांधी की भूमिका क्या रहेगी? ये सवाल पूछो तो फिर आप गोलमोल जवाब देने लगते हैं और कहते हैं इंतजार कीजिए इंतजार कीजिए, इंतजार में ही समय ना चला जाए और फिर वो लोग 2019 की तरह, 2019 में भी तो यही बातें कही जा रही थी, हालांकि दल अलग अलग थे, ये अलग बात है। चरण सिंह सापरा जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी लेते हुए उसके बाद सुधांशु जी सबके सवालों का जवाब देंगे, चाहे आरजेडी से पूछिए, चाहे जेडीयू से पूछिए, चाहे ममता बनर्जी से पूछिए, अरविंद केजरीवाल से पूछिए, कोई भी भाव देने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी को। फिर क्या करेगी कांग्रेस? क्योंकि वो कह रहे हैं नीतीश कुमार ही सबसे योग्य है और जन आकांक्षा भी यही चाहती है कि वो लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराए। चित्रा जी, मेरे ख्याल से आप चर्चा करना चाह रही हैं कि किस चेहरे को भारत की जनता जो है वो वोट देगी, लेकिन भारत की जनता, मुझे लगता है 2024 का चुनाव जो है वो चेहरे पर नहीं होगा, वो जो पिछले 8 या 10 वर्षों का कार्यकाल है वो उस पर होगा कि किस तरह से झूठे वादे नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने किए थे। फिर वो चाहे 2 करोड़ नौकरियों का वादा हो, 15 लाख रुपए का वादा हो, या फिर जो हमारे देश की आंतरिक समस्याएं हैं, या फिर जो हमारे विदेशी बाउंड्री पर जो समस्या है, चाहे वो चीन की समस्या, पाकिस्तान की समस्या, ये सारा मूल्यांकन होगा। जिस तरह से जीएसटी लगा है खाने की चीज पर, पहनने की चीज पर, ओढ़ने की चीज पर, यानी हर गरीब आदमी की जो जीवन आवश्यक वस्तु है उसको महंगा किया गया है, जीएसटी लगा है, गब्बर सिंह टैक्स के ऊपर चर्चा होगी, नोटबंदी से जिस तरह से नुकसान हुआ उसके ऊपर भी चर्चा होगी, और आज की तारीख में जिस तरह से महिला पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिला अत्याचार के अंदर, कांग्रेस पार्टी के नेता ही पुरजोर तरीके से राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं रख पाते हैं सामने? ये तमाम सारी चीजों को भारत की जनता देखेगी और चेहरे पर चुनाव नहीं होगा, चुनाव होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने जुमले बोले, योग्यता की कमी है, बोला है, और उस झूठ और लूट के खिलाफ में जनता वोट देगी। योग्यता की कमी है, कोई इतना पॉपुलर चेहरा है नहीं नरेंद्र मोदी के सामने, इसलिए आप कह रहे हैं कि चेहरे पर चुनाव नहीं होगा। अब बार बार ये बताना, राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता, जैसे वो कह रहे हैं नीतीश कुमार होंगे, आप क्यों नहीं कह रहे हैं राहुल गांधी होंगे, क्यों गोल गोल घुमा दे रहे हैं? किस बात को लेकर आप लोगों के बीच डर किस सके? मैं तो कह रहा हूं कि श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की सीटें ज्यादा आएंगी तो निश्चित रूप से राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ। और उन सबको लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, दूसरी विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस डिस्कशन को, देश के नैरेटिव को चेहरे पर ले आए, लेकिन जो देश का गरीब आदिवासी है, जो गरीब दलित है, जो गरीब व्यक्ति है, जो नीचे के तबके का व्यक्ति है, जो देख रहा है कि मुझे इस सरकार की आसरे पर मुझे खाना मिल रहा है, जो 80 करोड़ लोगों को ये खाना पीडीएस सिस्टम से दे रहे हैं, यानी देश का जो गरीबी रेखा से 23-24 करोड़ लोग नीचे आ गए हैं, उसकी भी तो मूल्यांकन होगा, उसकी भी तो चर्चा होगी। तो ये तमाम सारी चीजें, जिस तरह से देश को नुकसान हुआ है, इसके ऊपर चर्चा के बाद में ये चुनाव के नतीजे आएंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, चेहरे पर नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और नियत पर ये होगा, उसके बाद कोई भी चुनाव आप लोग जीते नहीं है और बड़े राज्यों से आप लोगों का सुपड़ा साफ होता हुआ चला जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने विकट स्थिति है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, वो कह रहे हैं मुद्दों पर चुनाव होगा, चेहरे पर चुनाव नहीं होगा 2024 का, और मुद्दे पर चुनाव होगा तो फिर बीजेपी की हार तय है। सुधांशु जी, देखिए मुद्दे की बात तो एक चरण सिंह छापरा जी के मुंह से भी स्वयं ही निकल गई कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। इस बुरे दौर में, जो मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे बुरा दौर था, जिस समय वर्ल्ड के सभी G7 कंट्रीज की अर्थव्यवस्था निगेटिव ग्रोथ रेट में थी, मैं चुनौती से कहता हूं, कभी बताइए दुनिया में ऐसी स्थिति रही हो। आज वह स्थिति जब अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजी को लेकर पूरे भारत की बात नहीं कर रहा, आज जाके देख लीजिए फ्रांस और स्पेन में क्या है महंगाई की दर, मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश और इसकी श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं। तो आपने यह स्वीकार किया मुद्दे की बात, हमें बिल्कुल अच्छी ये बात लगी कि आपने स्वीकार किया कि मुद्दे में सबसे बेहतरीन काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी देश की हालत यह है कि जिस जहाज में, जिस समुद्र में हमारा जहाज चल रहा है, सुनामी आई हुई है, अगर बगल के जहाज पलट गए हैं, अगर हमारा ईमानदार तरीके से चला रहा है, एक एक करके आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, मगर आपने देखिए अभी कितनी बढ़िया बात बोली आपने, इतना चित्रा जी इनसे कहा तब इनके मुंह से बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी जी का नाम निकला। अभी सुनील सिंह जी क्या बोले, उन्होंने कहा कि विपक्ष ने भाजपा को हटाने के लिए
अपना बिगुल बजा दिया है, मगर सुनील जी ये बिगुल जानते कैसे बजा? आप लोगों का बाजा ऐसा बज रहा है जो कहावत है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। तो इसमें सिर्फ शोर के अलावा कोई चीज दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि तीनों में से कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, भारत के इतिहास की पहली बार ऐसी गठबंधन की सरकार बनी थी, जब सभी दलों ने अपने को विलय कर दिया, सब लोग बोलेंगे तो मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप मेरी बात के चिन्ह चिन्ह उड़ा दीजिएगा। आपके टर्न का इंतजार करिए जैसे मैंने किया। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, गठबंधन का सबसे बड़ा प्रयोग और सबसे गहरा प्रयोग, अरे सत्ता पक्ष की ओर से एकमात्र वही बैठे हुए हैं, तीन विरोधी चेहरे हैं, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए ना। बल्कि किशोर जी मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, देखिए गठबंधन राजनीति का सबसे भारी प्रयोग, सबसे गहरा प्रयोग 1977 में हुआ, जब सभी दलों ने अपना अस्तित्व विलय कर दिया था। हमने भी अपनी पार्टी का विलय करके जनता पार्टी बनाई थी और वो भी नहीं चल पाई थी 2 साल, जबकि उसमें सबसे बड़े हम ही घटक थे। उसके बावजूद जब टकराव हुई तो अटल जी ने उस गठबंधन के टूटने पर जो पंक्ति लिखी थी वो आज एकदम सही लगती है। उन्होंने कहा, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। वही स्थिति आज दिखाई पड़ रही है, ये सब अपने बन के बैठे हुए हैं, मगर कोई नहीं बता पा रहा है कि हमारे इस बारात का दूल्हा कौन होने वाला है। सब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अभी पहुंचने तो दीजिए सेनाई, उसके बाद बताएंगे। इसीलिए यह प्रयोग भारत की राजनीति में अनेक बार असफल हो चुका है, और मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, इनमें से चुनौती से पूछता हूं कोई पार्टी बताए जिसने, मोदी जी ने जिस प्रकार की ग्रोथ रेट दिखाई है, जिस प्रकार की महंगाई पर नियंत्रण बताया, आपने तो किसी के दौरे हुकूमत में इससे कम रही हो महंगाई की दौर, तो बताइए। ठीक है बताइए नवल किशोर जी, मैं तीनों से पूछता हूँ, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में और जदयू और आरजेडी में, बताइए राष्ट्रवाद, राष्ट्र की सुरक्षा किसी चीज में, बताइए। नरेंद्र मोदी जी बोलिए, इतना अच्छा काम किए कि कृषि की बिल लाते हैं और 1 साल तक किसानों को सड़क पे रखते हैं, साथ साथ किसान को जान से मार देते हैं और उसके बाद उसको वापस लेते हैं। उस किसान के किसान आंदोलन पे उनका एक मंत्री जो है उनका बेटा गाड़ी चला देता है, उसका इस्तीफा नहीं ले पाते हैं, सचान जी का इस्तीफा नहीं ले पाते हैं और बिहार पे ज्ञान दे रहे हैं। जिस डिप्टी सीएम जो डिप्टी सीएम नीतीश जी के बदौलत रहे 15 साल, उनका नाम ले रहे हैं, उन्होंने तो खुद 2005 के बाद न विधानसभा न लोकसभा लड़ने की हिम्मत की। वो कह रहे हैं कि केसीआर अपने बेटी को नहीं जितवा पाए और विपक्षी चुनाव नहीं जीत पाते हैं। पिछले दरवाजे से परजीवी राजनीति करने के माहिर डिप्टी सी आपके पूर्व डिप्टी सीएम और वहां से धक्का देकर बाहर भगाए गए। अभी की परेशानी सामने आई है, नवल किशोर जी अभी मतलब एक तरफ विधि मंत्री को हटाया गया, फिर गन्ना दिया गया, फिर गन्ना से भी इस्तीफा दे दिया गया, विधि मंत्री का इस्तीफा हो गया। अरे नवल किशोर जी, आपकी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पर, आपका सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बैठी हूँ, ठीक है ना? यहाँ पर एक सेकंड नवल किशोर जी, ये गीदड़ भपकी कहीं और दीजिएगा मिस्टर नवल किशोर, ये गीदड़ भपकी कहीं और दीजिएगा। एक पत्रकार के सवाल का उसी तरह से सामना कीजिए कि आप एक सेकंड सर, नवल किशोर जी, मिस्टर नवल किशोर क्यों हटाया विधि मंत्री को, क्यों हटाया नवल नवल किशोर जी, क्यों हटाया? जो इस्तीफा, अरे इतनी बौखलाहट किस बात की है? कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दिया ना, अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो गई ना, ये कैसा विधि मंत्री है कि 1 महीने के भीतर ही आप लोगों का ये हाल हो जाता है? और यहाँ पर बैठ कर आप एंकर को सिखा रहे हैं कि सवाल कैसे पूछना चाहिए? नवल किशोर जी, बिहार की जनता देख रही है, थोड़ा आराम से मिस्टर नवल किशोर, अरे इस्तीफा दिया ना, ठीक है, आप बताइए बैठे हुए सर्टिफिकेट देने के लिए, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मिस्टर नवल किशोर, ठीक है ना? झूठ परोसने का क्या, पलट के अगर मैं सवाल पूछती, 2019 में कितनी सीटें जीती आपकी पार्टी ने? 2000 अच्छा कोई नहीं देखना चाहता, बहुत अच्छा हुआ आपने सर्टिफिकेट दे दिया। जिस चैनल पर इस वक्त आप बैठे हुए हैं देश का नंबर 1 शो है, और आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मिस्टर नवल किशोर। और एक पत्रकार से किस भाषा में सवाल जवाब करना चाहिए ये सीख कर आइए, और अगर तमीज नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है यहां पर बैठने की। सुधांशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, बस अब एक लाइन में, देखिए 20 लाख नौकरियों का दावा करने वाली पार्टी के लोग अभी 2 कदम नहीं बता सकते कि 1 महीने में क्या किया, मगर इनके एक मंत्री की नौकरी चली गई। अब नवल किशोर जी
चूंकि चले गए वरना मैं पूछना चाहता था, नवल किशोर जी आप वापस आ गए, आपका स्वागत है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए आप कह रहे हैं कि नीतीश जी जो हैं वो बड़े नेता हैं, ये नीतीश जी बड़े नेता हैं कि लालू जी, चचा बड़ा है कि ताऊ, ताऊ तो चुनाव नहीं लड़ सकते तो ताई तो लड़ सकती है, तो बताइए चचा को देश का नेता होना चाहिए या ताई को, अब इसका जवाब दे दीजिए अभी, यानी मेरा इशारा राबड़ी देवी जी की तरफ से, बताइए कौन बड़ा नेता बिहार, नवल किशोर जी आवाज आ रही है क्या? चचा या ताऊ, लालू प्रसाद यादव जी या नीतीश जी? हाँ, नवल किशोर जी तक आवाज नहीं जा पा रही है, सुनील सिंह जी आप जवाब दे दीजिए, सुधांशु जी मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा प्रश्न आप मीडिया पे कर रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, बिहार में बड़ा नेता कौन, लालू प्रसाद यादव जी या नीतीश जी, चचा बड़ा या ताऊ, बताइए, बोलिए सुनील जी। चित्रा जी, पहले तो चित्रा जी आपके निर्भीक पत्रकारिता के हम कायल हैं, आपका पूरा समर्थन करते हैं, किसी तरह का आप पर व्यक्तिगत आक्षेप का हम समर्थन नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा देखिए क्यों भाजपा मुक्त भारत होगा, सुधांशु जी के वक्तव्य में कथन में वो बातें छिपी हुई हैं, सुधांशु जी ने गठबंधन धर्म के खिलाफ बोला, जबकि सच्चाई ये है कि गठबंधन आज की भारतीय लोकतंत्र की सच्चाई है, जब भाजपा भी शासन में आई तो गठबंधन धर्म में थी, अब वो अहंकार में फासिज्म में अपने गठबंधन धर्म की बात करते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ बात करते हैं, क्षेत्रीय पार्टियां सच्चाई हैं, इन दो कारणों से उनका अहम झकता है और इन कारणों से वो नाश की तरफ अग्रसर है, जनता में तो रोष है ही, जो जनता की बात हम कर लें तो जो भी मामले में कह लें आप, जो भी मामले में कह लें, जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद, आप जो देख ले पूरा उनके अहम है, तो उनसे जनता में आइए बात करते हैं 19 लाख नौकरियों की। भाजपा ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हम साल में देंगे, 8 वर्षों से हैं 16 करोड़ पाइल अप कर गया है, उसका हिसाब दे दें, इन्होंने कहा था 15 लाख खाते में जाएंगे, जनता इंतजार कर रही है, क्या हुआ उसका, इन्हीं सब कारणों से राइटिंग ऑन द वॉल है, हम क्या करेंगे वो तो बात का, हम तो अब माननीय नीतीश कुमार जी का जो नीतीश मॉडल है राज्य में सुशासन का, उसको हम पूरे देश में उसको शोकेसिंग करेंगे, वो एक अपनी जगह है, लेकिन भाजपा के पास इन सब बातों का जवाब नहीं है। जल्दी से सुधांशु जी इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं आपके पास आऊंगी सापरा साहब, जल्दी से सुधांशु जी, एक लाइन, बस एक लाइन में, अरे सुनील जी ये राजद वाले बोलते हैं तो ठीक है, आप कैसे बोल गए 10 लाख नौकरी वाली बात, आप तो खुद सत्ता में थे भाई, नीतीश कुमार जी खुद बोल चुके हैं 10 लाख नौकरी नहीं मिल सकती, अब कहते हैं 20 लाख मिल सकती है, इसे कहते देखो सत्ता की लाचारी हो, जमाना बिगड़ा जाए, बदला जाए, 2 करोड़ की बात करें, बिहारी हो जमाना बदला जाए, 2 करोड़ आपको तो नहीं बोलना चाहिए, आपका तो वीडियो अवेलेबल है नीतीश कुमार जी का, आप पर इसीलिए जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष, वो कह रहे हैं आप तो सत्ता में थे उस समय, प्रतिवर्ष में नौकरी देने का, हाँ आप तो सत्ता में ही थे अभी, नहीं, एक महीना भी नहीं हुआ, हमारी बात छोड़िए आप अपना जवाब दीजिए ना, आप तो कंटिन्यूअस सत्ता में हैं। चित्रा जी जब गठबंधन में रहकर के गठबंधन धर्म का लोग पालन नहीं करते हो और हर्डल रेस खेलते हो तो सुशासन को करने में कितनी कठिनाई हो रही होगी ये कल्पना का विषय है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी ने पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी का वायदा किया था, 8 वर्ष में 16 करोड़ बकाया है, उसका वो हिसाब दे दे हमको, ठीक है, 15 मेरे पास वक्त कम है, सापरा जी के पास जाते हुए ये बड़ा दिलचस्प है, नहीं 16 करोड़ रोजगार, ठीक है क्या बात कर रहे हैं सापरा जी, एक क्लोजिंग कमेंट, कितना दे दिया आपने 2024 के लिए, क्या है तैयारी, रहेंगे इनके साथ गठबंधन में या कांग्रेस की अपनी अलग लाइन होगी और कांग्रेस उतनी मजबूती से लड़ेगी? देखिए चित्रा जी, गठबंधन का स्वरूप जो है वो समय से आएगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि 2024 की लड़ाई जो है वो चेहरे पर नहीं होगी, चरित्र पर भी होगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र की सरकार को उखाड़ा, महा विकास आघाड़ी की सरकार, या फिर कर्नाटका या मध्य प्रदेश या उससे पहले अरुणाचल प्रदेश या उससे पहले गोवा की सरकार है, किस तरह से इन्होंने पलटी है, 50 खोके सब कुछ होके ये जो नारे शुरू हुए हैं, और जिस तरह से कर्नाटका के अंदर कमीशन खोरी चल रही है, 40% कमीशन और कॉन्ट्रैक्टर प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं और प्रधानमंत्री उस बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो जिस मात्रा में भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, जो चरित्र खराब इन्होंने किया है, राजनीति का एक स्वरूप इन्होंने खराब किया है, जहां पर डंडा चल रहा है, मसल और मनी पावर चल रही है, ये जनता के जहन में आ रहा है।